नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बारा के निजगढ़ स्थित एक वर्कशॉप में गैस सिलेंडर विस्फोट, एक गोटे की मृत्यु। बड़हथवा में प्रहरी के गोली से मृत्यु भेल। जयशंकर साहक परिवार के आर्थिक सहयोग 10 लाख देवाक सरकारक निर्णय। मधेशक स्वास्थ्य मंत्री सिंह द्वारा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय के आकस्मिक अनुगमन। लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो द्वारा पार्टी परित्याग, नया अभियान चलेबाक घोषणा। आ भारत के चर्चित गजल गायक पंकज उदास के 72 वर्षक उम्र में निधन। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में। वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगात संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावे वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावे वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी आप अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावे वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आ गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाए के घंटों लाइन में लागे पड़े छे इंटरव्यू के लागे, और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छे। आब काठमांडू नहीं जाए पड़े। मेन पावर अपने सब जनकपुर के भवन प्रास में आ गेल है। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिकर्मा सड़क। कॉन्टैक्ट 9811-25430, ISO 9001-2035। पुलिस के लाइन छाली है, पकड़ के लगे लिया। नहीं है ना, कतो भेले है, करते कोई या भरते कोई? की भेले पापा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगे लिया, कहे छाले या जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छे, ये अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छले। एकरे कहे छे जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पापा, ठीक है, कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझा के है? ते *922 हच डायल क के बुझा सके छी। ए ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पदर्ता करा सके छे। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है छे। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लक नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। अब समाचार विस्तार में। बारा के निजगढ़ स्थित एक वर्कशॉप में गैस सिलेंडर विस्फोट भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल छे। सोम दिन बेड़िया में निजगढ़ नगरपालिका और नंबर 7 स्थित निजगढ़ बाजार में संचालन में रहल रोहित वर्कशॉप लेथ में कामदार वेल्डिंग करवा क्रम में गैस सिलेंडर फूटल। जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी दिलक है। घटना में निजगढ़ नगरपालिका और नंबर 5 रहनिहार 45 वर्षक रेशम मगर के मृत्यु भेल। बारा के प्रहरी प्रवक्ता DSP दधी राम न्योपा ने जानकारी दिल रहे छे। ई घटना में और 5 गोटे घायल भेल छे। घायल हो वाला में यह नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के 45 वर्षक सूर्य बहादुर थापा, बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 के 34 वर्षक फिरोद देवान, 20 वर्षक रितु रजत, 35 वर्षक भारतीय नागरिक राकेश जायसवाल, 20 वर्षक अरविंद शाह रहल छे। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल छे। सरलाही के बड़हथवा में प्रहरी के गोली लागि के मृत्यु भेल। जयशंकर साहक परिवार के सरकार 10 लाख राहत सहयोग प्रदान करय लागल छे। सोम दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैठक स्वर्गीय शाह के परिवार के आर्थिक सहयोग प्रदान करबाक निर्णय के ने सूचना तथा प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी देलनि छे। बनाउने भन्ने विषयको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर जुन सर्लाहीमा मृत्यु भएको थियो एकजना व्यक्तिको, सर्लाही जिल्ला बरहथवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बस्ने मृतक जयशंकर शाहको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। र
त्यसैगरी एउटा जुन गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पहिला गठित जुन सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण समिति जाँचपछि आयोग जुन बनिएको थियो त्यसको म्याद 2080/11/16 लागू हुने गरी फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। बडहतवा नगरपालिका नम्बर 6 के 27 वर्षका शाहक प्रहरी के गोली लागेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पुस 20 गते स्वास्थ्य केन्द्र के प्रादेशिक अस्पताल बनेबाक वा नै बनेबाक विषयमै विवाद भेलावाल भेल झडपमै प्रहरी के गोली लागेको हुनक मृत्यु भएको छ। अस्पताल के लक मेयर आ आरो राजनीतिक दल बीच विवाद होइत आबि रहल छ। मधेश प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय के आकस्मिक अनुगमन कैलन। मंत्री सिंह सोमदिन मुजलिया स्थित चिकित्सालय के अनुगमन कैलन। मंत्री सिंह पुगत काल चिकित्सालय में किस कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी गैल भेटल छल। वही क्रम में सिंह कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी के हाजिरी चेक करैत अनुपस्थित भेल सबके नाम लिख क लगेल छलैथ। अपने ई जांच करै छथ कि पुर्जा लेबे आयल छै? पुर्जा लेबे, पुर्जा लेबे आयल छै। काय पुर्जा काटे वाला देखै? अभी कटै छै। काय पुर्जा देखै? ई दवाई लिख के देत रहल ना अपने? अपने कितना खत्म ले आ सटल त निकाल लिए पढ़ने से पढ़े नाम आ कर लिए इंद्रजीत कुमार यादव ये जाके क्यों हम चीज है मंत्री जी ये ओपीडी वाले अठम बिना में दिख छे कौन बोला सर तीन दिन ओपीडी में हम बैठे छे आज के कर दियो तू हम रोज सेवा जयनाथ झा पासो चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर सीमा झा मंत्री सिंह के चिकित्सालय के विभिन्न कक्ष सबके निरीक्षण करौने छलथि। मंत्री सिंह इलाज के लेल आयल बीमार सब संग सेहो चिकित्सालय दऽ रहल सेवा सबके विषय में जानकारी लेने छलथि। नेता राजेंद्र महतो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग केने घोषणा कैलन अछि। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ नेता महतो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग केने घोषणा कैलन अछि। ओ पत्रकार सम्मेलन में कोनो एकटा पार्टी आ राजनीतिक दल सँ राष्ट्रीय प्रतिक्रांति संभव नहि भेला सँ लोसपा जसपा कांग्रेस एमाले सब पार्टी सभ समेत बहुल राष्ट्रीय मान्यता के अधिकार के पहचान के मान्यता राखा वाला सब एकजुट
रहल जेबाक बतौलन। ओ अपन क्रांति के लिए सबसे साथ देव आह्वान सेहो कैलन। ओ राष्ट्रीय क्रांति मुक्ति के लिए अभियान संघर्ष आ विद्रोह के क्रम में सशक्त आंदोलन आवश्यक रहल सेहो बतौलन। राखने सब एकजुट हुनु पर्छ, सब आउनु पर्छ संघर्षमा र यो अभियानमा जुट्नु पर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका हौ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आह्वान गरेका छौ। त्यसमा लोकसभा पनि पर्छ, लोकसभाका नेताहरू पनि पर्छ। यो विचारमा लोकसभा पनि सहमत भएर आउन सक्छ। यो चाहिँ अभियानमा, यो आन्दोलनमा, यो क्रान्तिमा लोकसभा पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि मैले आह्वान गरिसकेँ। मैले भने आफ्नो पूर्व पार्टीलाई पनि मैले आह्वान गरेँ यो आन्दोलनमा आउनुपर्छ भनेर भने। यो लोकसभा आओस् यो अभियानमा। अब के छ भने यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि अभियान संघर्ष र विद्रोह। ओ अभियान संघर्ष आ विद्रोह राजनीतिक शक्ति पैदा करबाक सेहो बतौने छलथि। लघुवित्त ऋणी सब संसद भवन में प्रवेश क के विरोध जनौने छे। सोम दिन नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में बैठक संचालन भ रहल समय में लघुवित्त ऋणी सब परिसर में पहुँच कर नाराबाजी कयने छे। लघुवित्त के ऋण तीर नहीं सह के समस्या में पड़ल आ पैदल चल के काठमांडू में आंदोलन कर आयल ऋणी सब सोमसिन संसद भवन भित्रे प्रवेश कक प्रदर्शन कयने छे। सरकार संघीय संसद अगल बगल क्षेत्र के निषेधित क्षेत्र तोड़ के प्रदर्शन कर निषेध कयने अछि। मुदा लघुवित्त ऋणी सब निषेधित क्षेत्र तोड़ के प्रदर्शन कला संगे किछ प्रदर्शनकारी पकड़ायल सेहो अछि। ओ सब अपना सब गोली खाय सेहो तैयार रहल कहैत संसद परिसर भीतर सुत के विरोध जनौने छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछा ने विवादित मंत्री सब द्वारा अपना ऊपर उठल प्रश्न सबके संसद में ठाड़ भ जवाब देल जेबाक बतौलन। सोम दिन प्रति सभा के बैठक के आकस्मिक समय में सभापति लामेछा ने विवादित मंत्री सब द्वारा अपना सब ऊपर के आरोप निराधार रहल कह के संसद में आबिक जवाब देल जेबाक बतौलन। ओ सभामुख बेर बेर रूलिंग कने कहित मंत्री सबके संसद में ठाड़ भ जवाब देव के रोक रहल कह के प्रश्न कने छलथि। ओ सार्वभौम संसद के लड़ाई आ आरोप प्रत्यारोप के क्षेत्र जका किया बनाल जा रहल कह के सेहो प्रश्न कने छलथि। ओ एनसेल खरीद बिक्री प्रकरण के छानबीन प्रतिवेदन ऊपर सेहो संसद में परामर्श कैल जेबाक बतौलन। सम्मानित सभामुख महोदयबाट रूलिंग समेत भइसकेको विषयमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा, गम्भीर आरोपका विषयमा यो सदनमा आएर उभिएर जवाब दिनको निमित्त रोकेको छ केले? किन यो चिज निरन्तर मागिरहनु पर्ने भयो सभामुख महोदय? यदि कुनै अप्ठ्यारो छैन, यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या विषयहरू निराधार हुन् भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई? ओ सरकार मीटर ब्याज पीढ़ी सबके समस्या समाधान नहीं कने सेहो बतौलन। सरकार बीतल समय में मीटर ब्याज पीढ़ी सबके समस्या समाधान करवा कह के झूठ आश्वासन देने सेहो हुनक आरोप छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन मीटर ब्याज तथा लघुवित्त पीड़ित आ दुग्ध किसान सबके समस्या समाधान नहीं भेला पर संसद के अगला बैठक अवरुद्ध करबाक चेतावनी देलनि अछि। मीटर ब्याज पीड़ित आ लघुवित्त पीड़ित सब फेर काठमांडू में आंदोलन बढ़ा रहल समय ओ सरकार ओकरा सबके खुशी बनाकर फिरता नहीं कला पर अपना सब संसद आ सड़क दुनू से संघर्ष बढ़ेबाक चेतावनी देलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधिसभा के बैठक में आकस्मिक समय में अध्यक्ष लिंगदेन बाल कुमारी घटना में दोषी करार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला के रायनामा मीटर ब्याज पीड़ित लघुवित्त पीड़ित आ दुग्ध उत्पादक किसान सबके भुगतानी के विषय में सर्वहारा वर्गक अधिनायक तत्व स्थापना करवाक नारा दक आगा बढ़ल पार्टी नेतृत्व के सरकार द्वारा देखो क नहीं देखल जका कक बैसनाय भेल कहित आक्रोश व्यक्त कने छलथि। ओकर सबके मांग के संबोधन नहीं कक संसद के अगला बैठक अवरुद्ध करबाक आ ओहि क्रम में संसद से बाहर जाय सेहो अपन पार्टी तैयार रहल बतौलन। उत्पादक कृत पीड़ितहरुको विषय में र दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको विषय में आउने बैठक भित्रमा ठोस संबोधन गरेन भने आउने बैठकबाट राप्रपाले संसद अवरुद्ध गर्छ।
अध्यक्ष लिंगदेन सरकार पीड़ा में रहल जनता के समस्या के सेहो व्यवस्था कर रहल आरोप लगने छलथि। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब बाल कुमारी घटना जांच बुझ आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग मांग कलक। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में शून्य समय में बाजत सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्षी सांसद सब एक स्वर में इस घटना में दोषी करार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला ऊपर अखनों कार्रवाई नहीं कल गल कहत प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहाल प्रति आक्रोश समेत व्यक्त कलक। प्रमुख प्रतिपक्षी एमएलए के सांसद अमृतलाल राजवंशी बाल कुमारी घटना के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग मांग कलन। ओ इस घटना में दोषी करार सब पर कड़ा कार्रवाई कर सो सरकार के दबाव दिलन। अरुले जसरी आफ्नो दूध को पैसा करीब 6 अरब रुपया पाउन बाकी भुक्तानी त्यो अविलम्ब सरकारले तुरुन्त भन्दा तुरुन्त त्यो पैसा किसानहरुको दियोस्। त्यसैगरी मिटर ब्याजी र लघुवित्त पीडितहरुको समस्याहरुलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गरोस् भन्ने म चाहन्छु। एमर सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के सांसद एवं पूर्व मंत्री अर्जुन नरसिंह केसी सबसे बड़का भ्रष्टाचार कांड के रूप में रहल एनसेल छानबीन समिति के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार के दबाव दिलन। ओ मीटर ब्याज पीड़ित लघुवित्त पीड़ित आ दुग्ध किसान सब के मांग तत्काल संबोधन कर सो सरकार के सचेत करौलन। वास्तविकता नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ यो खरबौंको भ्रष्टाचार कांड यथार्थमा जे हो त्यो संसद मार्फत जनतामा पुग्नु पर्छ र संसदले सामूहिक रूपबाट त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। तैना दोस्रो सत्ता साहेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अमर बहादुर थापा सेहो दूध किसान के भुगतानी तत्काल उपलब्ध कराव सरकारक ध्यानाकर्षण करौलन। ओ विकास आयोजना सभक लेल भुगतानी रोकवा काज केने कहते सरकार प्रति आक्रोश समेत व्यक्त कलन। भुगतानी दिन सकिरहेको छैन र तत्काल भुगतानी दिन सकिरहेको छैन र तत्काल जाने लापरवाही गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने र कामको पैसा भुगतानी गर्ने काम गर्न पर्छ। र अर्को कुरा यो अहिले लघु वित्त र जाने जुन मिटर ब्याजीहरूको समस्या छ र मिटर ब्याजीहरूको के कुरा भएको होइन त्यो तर्का सरकारले बोला। जनता के पैसा हिनामिना करवला सहकारी उपर सरकार द्वारा कड़ा कार्रवाई कैल जेबाक ओ सब मांग कयने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माले तीन मंत्री के राजीनामा के मांग यथावत राखने जनौलक। सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैठक के आकस्मिक समय में नेकपा माले के सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटा गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती के राजीनामा मांग कलन। ओ इ विवादित मंत्री सबके संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिल जेबाक सेहो बतौलन। संबंधित मंत्री सब राजीनामा नहीं देला पर ओकरा सबके प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त कैल जेबाक हुनक कथन अछि। ओ विवादित मंत्री सबके नहि हटावा धरि एमाले के आंदोलन जारी रहबाक सेहो चेतावनी देलन। ओ सामंतवाद के अवशेष सबके पिट्ठी पर बोक समाजवाद के हल्ला क के बैसबाक छूट सरकार के नहि रहल सेहो बतौलन। कहिले उभिन्छ र हामीले देख्न पाउने हरित क्रान्ति कृषि क्रान्ति कहाँ गयो? त्यो किसानहरूलाई रुवाएर मूल्यको श्रमको 10 नङ्ग्रा ख्याएको पैसा नतिरेर यो हालत छ। अरू पनि कुरा उठाउँछु। यो सरकारले सरकार बनेर 32 महिना भयो, गठबन्धन अकण्टक रहेको अकण्टक सरकारले के गर्यो भने गुठी सम्बन्धी समस्या जस्ताको तस्तै छ। मेरै जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडामा हिजो केपी ओलीको सरकार हुँदा नापीको समस्याले किसानहरूले जमिन नपाउँदा भूमिवालाहरू चाहिँ सुकुम्बासी अटोमेटिक बन्नु पर्दा आयोग बनाएर कार्यालय स्थापना गराएको थियो। क्रान्तिकारी काम गर्यो गठे सरकारले। के गर्यो भने त्यहाँको कार्यालय उठाएर लिएर आयो। ओ मीटर ब्याज पीड़ित सब कहिया न्याय पाओत आ किसान दूध के मूल्य कहिया पाओत कहकर प्रश्न केने छलथि।
प्रतिनिधि सभा के बैठक में सभामुख देवराज घिमरे सांसद सब उठाने विषय समय सभा के अगला बैठक में जवाब देव नेपाल सरकार के रूलिंग कलने छे। रूलिंग भेला संगे सभा के बैठक नियमित रूप में शुरू भेल छल। सरकार के रूलिंग करते सभामुख घिमरे अगला बैठक में जवाब देव सरकार के निर्देशन दिलन। सदस्यहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू, बैठकमा नियमित रूपमा यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरूमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। अस पहिनका बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विवादित मन्त्री सबके राजीनामा माग कयने छल। मन्त्री सब विवादमे आयल सम्बन्धमे प्रधानमन्त्रीके जवाब समेत माग कयने छल। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ 5,500 मीटर ब्याजी पीढ़ी सबके न्याय देवा काज भऽ रहल दावी कयलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधिसभाके बैठक बाद संचारकर्मी सङ्ग बात करैत मन्त्री श्रेष्ठ 5,500 मीटर ब्याजी पीढ़ी सबके न्याय देवा काज भऽ रहल बतौलनि। ओ तत्कालीन आयोगमे आयल निवेदन सबके मंत्री परिषद निर्णय कऽ कऽ जिला प्रहरी कार्यालयमे भेजने कहैत पहिने प्रहरी मिलापत्र के अपील करबाक बतौलनि। ओ प्रहरी पीड़ित के न्याय देवाक उद्देश्य लऽ कऽ मेल मिलाप के प्रयास करबाक हुनक कथन अछि। एना होवऽ नहि सकला पर आओर अनुसंधान कऽ कऽ अभियोजन के प्रक्रिया में जेबाक सेहो ओ बतौलनि। ओ पीड़ित के हर हालत में न्याय देवाक बतौलनि। सबभन्दा पहिले लिएर सबै मिडियाको र राजनीतिक कर्मीहरूको भ्रष्टाचार आन्दोलन गरेपछि त्यही बेलामा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम पनि भएर सुरु भएको थियो। तर त्यहाँ एउटा जिल्लामा वा अर्को जिल्लामा मात्रै गरेर भएन भनेर म सरकारमा आएकै दिन, गृह मन्त्रालयमा आएकै दिन मैले आयोग गठन गरेर त्यसपछि कानुन ल्याएर त्यसपछि सिडी अफिसमा सहजीकरण समिति बनाएर काम गरिएको हो। ओ पीड़ित के न्याय दियाव सब एकजुट रहल जेबाक बतौलनि। ओ पीड़ित के नाम में खेल नहीं खेल सो सब संग आग्रह कयने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद बाकी समाचार लखे। तपाईको फेभरेट सनसिल्क शैम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भिटामिन्स, ऑयल्स अनि प्रोटीनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नया सनसिल्क एक्टिव मिक्स के साथ। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लो को पावर अप हरेक दिन नया लक्स को साथ। जैस्मिन को सुगंध र बदाम को तेल युक्त चमकीलो त्वचा को लागी लक्स। डाँडाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पोन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि पोन्ड्स ब्राइट ब्युटी। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत आम नागरिकक जीवन स्तर में सुधार करबाक उद्देश्य लकर अगला आर्थिक वर्षक बजेट बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर परामर्श कयल जाय कहल प्रस्ताव प्रस्तुत करैत ओ आधारभूत आवश्यकता पूरा करय कठिन अवस्था में रहल नेपाली नागरिक सभक जीवन स्तर सुधार हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ अगला वर्षक बजेट बनाओल जेबाक आवश्यकता महसूस कयने बतौलनि। अर्थमंत्री महत देशक अर्थतंत्र के विश्व अर्थतंत्र गति संगे आगा बढ़ेबाक लक्ष्य सेहो अगला आर्थिक वर्षक बजेट में हेबाक बतौलनि। उच्च आ दीर्घ आर्थिक वृद्धि हासिल करबाक आ उत्पादन वृद्धि संगे रोजगारी के अवसर सृजना मार्फत गरीबी न्यूनीकरण करबाक आर्थिक असमानता कम करैत वित्तीय स्थायित्व कायम करब अर्थतंत्र के दिशा निर्देश करब अपरिहार्य मान्य हुनक कथन छल। 81-82 को बजेट पेश करना 3 महीना पूर्व नै नेपाल सरकार को अर्थमंत्री को हैसियतले विनियोजन विधेयक का सिद्धांत
र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुअघि वर्तमान आर्थिक परिवेशको संक्षिप्त चित्रण गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्थमन्त्री महत देश भोगैत आयल न्यून उत्पादन आ उत्पादकत्व उच्च व्यापार घाटा कमजोर निर्यात आर्थिक दृष्टि से सक्रिय उमेर समूह के जनशक्ति पलायन जेहन समस्या समाधान करब अगला आर्थिक वर्षक बजट के प्राथमिकता के विषय भेल सेहो बताने छलथि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार अगला आर्थिक वर्ष में रासायनिक मल कारखाना खोलबाक प्रक्रिया के आगा बढ़ेबाक बतौलन सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता सभा में प्रस्तुत करते ओ ई बात बतौलन अर्थमंत्री महत किसान सबके सहूलियतपूर्ण कर्जा उन्नत प्रविधि तथा तालीम सिंचाई सुविधा मल बीव के उपलब्धता सुनिश्चित क कृषि उपज के उत्पादकत्व वृद्धि करवाक समेत बतौलन ओ प्राकृतिक आ प्रांगारिक मल में आधारित खेती के प्रोत्साहन करवाक सेहो बतौलन। मुलुक में नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। प्राकृतिक र प्रांगारिक मल में आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पहाडका टार र तराई मधेसका थप क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा उन्नत प्रविधि तथा तालिम सिंचाई सुविधा मल बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उत्पादन बजारीकरण र वितरण व्यवस्था लाइनेछ। अर्थमन्त्री महत पहाडक टार आ तराई मधेसमे आउर क्षेत्रमे सिंचाइ सुविधा विस्तार करबा जोड देवाक सेहो बतौलन। अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत भेल छै। सोम दिन के राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत कयलनि छै। राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत भेल अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर 17, 27, 29 आ 30 गते राष्ट्रीय सभा के बैठक में परामर्श हेबाक राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा जानकारी दिलन। ओ परामर्श में उठल प्रश्न के जवाब 30 फागुन गते अर्थमंत्री महत द्वारा देल जेबाक सेहो बतौलन। अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर के परामर्श में विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता के विषय में मात्र केन्द्रित भक परामर्श हेबाक आ परामर्श में भाग लेब चाहवला सदस्य सबके नाम दलीय प्रतिनिधित्व के आधार में परामर्श हुआ से एक दिन पहिने ही कार्य व्यवस्था शाखा राष्ट्रीय सभा में उपलब्ध करा देब सेहो आग्रह कयल गेल छै। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक 17 फागुन गते बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे बजाओल गेल छै। आब व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लके अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे अब के पढ्छौ डाक्टर भन्छु बेस्ट कलेजेस मा अप्लाई गरेकी छु सबै कलेज उस्तै होइनन् र हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु प्यारासुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरुका लागि यो तीन तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो चम्किलो र सुन्दर प्यारासुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। दादा बाहिर भाइरस छ न डराउ मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई पम्प रब छु हो लाइफ बॉय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। जब केश हेल्थ मजबूत तब लागब आरो सुन्दर असली आमला डाबर आमला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। कोसी प्रदेश सभा के दोसर कार्यकाल में प्रदेश सभा अखन धरि 8 विधेयक पारित कयने छै। बीतल वर्ष के पुष 17 गते प्रदेश सभा के पहल अधिवेशन के पहल बैठक बैसल छल। ओय एम्हर 5 सरकार गठन आ 2 सभामुख निर्वाचन कयने कोसी प्रदेश सभा अखन धरि 8 कानून निर्माण कयने छै। कोसी प्रदेश सभा के दोसर कार्यकाल के पछिला 14 महीना के अवधि में 4
प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न भेला पर जम्मा 46 बैठक बैसल छल, जाहिमे 11 विधेयक दर्ता भेल छल, 8 प्रमाणीकरण भेल छै। तहिना 3 विधेयक निष्क्रिय भेल, प्रदेश सभा सचिवालय जानकारी देलक अछि। कोशी प्रदेश सभा में प्रतिवर्ष 20,54,00,000 के खर्च भऽ रहल छै। प्रदेश सभा के पहिल 5 वर्ष में जम्मा 1,02,70,34,000 खर्च भेल, प्रदेश सभा सचिवालय जानकारी देलक अछि। यो पारित भएको छ, त्यस्तै केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भनेको विधेयक 2079 भनेर यो प्रथम तथा हिउँदे अधिवेशनमा पारित भएको छ भने, अब दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनमा चाहिँ प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न भनेको विधेयक 2079 चाहिँ यो चाहिँ सर्वसहमतिले पारित भएको र यसैले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 विस्थापन गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश सभा भन्ने राखिएको, यो चाहिँ दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनमा पारित भएको भने, अब तेस्रो अधिवेशनमा चाहिँ प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 संशोधन गर्न भनेको। 23 बैठक बैसक समापन भेल, 4 अधिवेशनमे 3 विधेयक दर्ता भेलमे सब पारित भेल, प्रदेश सभा सचिवालय जानकारी देलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाली बैंक डुब्बाक अवस्था में नहीं रहल दावी कयलनि अछि। सोमदिन नेपाल बैंकर्स संघ आयोजना कयने नेपाल के बैंकिंग प्रणाली के पछिला अवस्था आ अगला रास्ता विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में गवर्नर अधिकारी एहन दावी कयलनि अछि। ओ राष्ट्र बैंक नियमन आ अनुगमन करयवला बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके कोनो हालत में सेहो डूबन नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। संस्थालाई एउटा सही किसिमले काम गर्दै गइरहेकोलाई त्यतिकै ढल्न दिँदैन, यो कुरामा राष्ट्र बैंक एकदम प्रतिबद्ध छ। हैन बैंक हैन इन्टरनेशनल बेस्ट प्र्याक्टिस अनुसार कोही बैंकहरुको क्यापिटल तलै गयो भने त्यो फेल हुन सक्छ, फेल नहुने होइन। बैंक्स क्यान बी अलाउड टु बी फेल, हैन हुन सक्छ, तर त्यसको असर कस्तो हो त मार्केटमा, सिस्टममा, अर्थतन्त्रमा, ती सबै कुरा हेरेर होइन मात्रै भनौँ न। युएसमा 2007-08 घटनालाई यहाँहरूले सम्झनुभयो भने एउटा घटनास्वरूप सारा अरू घटनाक्रमहरू बढ्दै गए, ती पनि त लेसन हो नि हाम्रो लागि। गवर्नर अधिकारी अर्थतन्त्र संकुचनमे रहलाके कारण बजारमे मांगमे कमी आयल बतौलनि। बड़का ऋणी ऋण मांग सकबाक अवस्था नहि रहल कहैत देशक निर्माण क्षेत्र समेत सुस्त रहल गवर्नर अधिकारीके कथन अछि। इवन पुरानो लोन तिर्ने प्रयोजनको लागि थाहा नपाइकन लिमिटहरू एक्सेसिभ राखेर पनि ड्र गर्ने अनि त्यसबाट पेमेन्ट गर्ने अवसरहरू पाए ऋणीहरूले, तर अब वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आइसकेपछि त्यो अवसर रहेन धेरै। गवर्नर अधिकारी राजनीतिक पार्टीके नेतृत्वसँग लऽ कऽ बैंक बुझावला बहुत लोक बैंक अराजक सामन्ती आ मीटर ब्याजी भेल कहिकऽ गाड़ि फैजैत करैत आबि रहल बतौलनि। ओ नेपालके कोनो भी बैंक सब अराजक सामन्ती आ मीटर ब्याजी भेल अपना नहि पौने दावी समेत कयलनि। साउ भन्नुभयो मिटर ब्याजी भन्नुभयो होइन, ब्याङ्कको वित्तीय अराजकता भन्नुहुन्छ। मैले त नम्बरहरू हेरिराख्दा त यस्तो देख्छु कि ब्याङ्कहरूमा त कुनै पनि त्यस्तो खालको त म पाउँदिनँ। म ओ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था डुब्लापर देशमे केहन असर पर्त कहिकऽ एहि विषयमे सबसँ ध्यान देनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। ओ राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था फेल नहि हेबाक कहिकऽ मर्जरके लहर चलाउने सेहो दावी कयने छलथि। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतके चर्चित गजल गायक पंकज उदासके निधन भेल छै। सोमदिन 72 उमेरमे गायक उदासके मुंबईके ब्रिज कैंडी अस्पतालमे निधन भेल छै। हुनक बेटी नायब सामाजिक सञ्जाल मार्फत मृत्युके खबर देने अछि। हुनक जन्म 17 मई 1951 गुजरातके जेतपुरमे भेल छल। ओ सन 1980 आहत नामसँ पहिल गजल एल्बम निकालने छलथि। सन 2006 हुनकाके पद्मश्री पुरस्कार समेत देल गेल छल। हुनका
मंगल दिन अंतिम संस्कार कैल जात। पंकज के श्रीमती फरीदा उदास, बेटी नायब आ रेवा उदास आ भाई निर्मल आ मनहर उदास रहा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बारा के निजगढ़ स्थित एक वर्कशॉप में गैस सिलेंडर विस्फोट, एक गोटे की मृत्यु। बढ़तवा में प्रहरी के गोली से मृत्यु भेल जय शंकर साहक परिवार के आर्थिक सहयोग 10 लाख देवाक सरकारक निर्णय। मधेशक स्वास्थ्य मंत्री सिंह द्वारा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय के आकस्मिक अनुगमन। लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो द्वारा पार्टी परित्याग, नया अभियान चलेबाक घोषणा। आ भारत के चर्चित गजल गायक पंकज उदास के 72 वर्षक उम्र में निधन। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।